नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली में कश्मीर में हिंदुओं की जान लेने पर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। पहले राउंड की मीटिंग 2 बजे खत्म हुई और एक बार फिर से 3 बजे मीटिंग की शुरुआत हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। उनके अलावा कई और बड़े अधिकारी मीटिंग में हिस्सा लेते देखे गए। कश्मीर में हिंदुओं की जान लेने की वारदात पर हुई मीटिंग में रॉ के चीफ सामंत गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए मास्क पहनने को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। उड़ानों और एयरपोर्ट पर कोविड मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो यात्री नियमों का पालन नहीं करते उन्हें एयरपोर्ट या फिर विमान से बाहर कर देना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं के जान लेने और घाटी के शांतवादियों को दहलाने की साजिश 1 साल पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रची गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी सामने आई है कि इस वक्त कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी पटकथा पाकिस्तान के कब्जे वाले POK मुजफ्फराबाद में ISI द्वारा रची गई थी। इनमें कुल 200 ऐसे लोग की लिस्ट सामने आई है जिनकी जान लेने के रिकॉर्ड है। बता दें कि कश्मीर में पिछले 26 दिनों में 10 लोगों की जान जा चुकी है और लोग डर के मारे घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की है। भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है। भारत ने कहा है कि वो सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाना जारी रखेगा। कश्मीर में घाटी में स्थानीय कश्मीरी पंडितों और प्रवासी हिंदुओं के चुन चुन कर जान लेने के बाद से दहशत फैल गई है। इस साल अब तक 16 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है और इन पर रोक न लगने के चलते कश्मीर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का पलायन शुरू हो गया है। यही नहीं, प्रवासी मजदूर और बड़ी संख्या में ट्रांजिट कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडित भी घाटी छोड़ रहे हैं। कई कर्मचारियों ने तो बिगड़ते हालात को लेकर कहा कि स्थिति अब 1990 से भी खराब हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को मानसा जिले में उनके पैतृक गांव पहुंचे। यहां CM मान ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। इस दौरान मूसेवाला के आवास के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गई है। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश में आयोजित नव संकल्प शिविर में शामिल हुई थी। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब उनके वायरस से संक्रमित होने के चलते चिंताएं बढ़ गई है और मीटिंग में शामिल अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने का डर है। गुरुवार को ही अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी COVID-19 होने की बात सामने आई थी। अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामले पर चुभने वाली टिप्पणी की है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। ब्लिंकन ने मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट को जारी करते हुए ये बात कही। यही नहीं, एक अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भारत के सत्ता प्रतिष्ठान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर ऐसे हमलों को समर्थन दे रहे हैं। देश की डेली कोविड टैली ने करीब 3 महीने के बाद 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते दिन 4041 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की जान चली गई है और अब कुल जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,24,651 पर पहुंच गया है। वहीं कुल पीड़ितों की संख्या 4.31 करोड़ से ज्यादा हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि बीते महीने ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने के बाद CAA को लागू कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 13 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। इसके तहत इश्यूज फ्रेश समन्स टू कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी के तहत ही अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पहले उन्हें 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य ने देश से बाहर होने का हवाला देते हुए नई तारीख देने के लिए ED को पत्र लिखा था। टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि इस अनुबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उपयोगिताओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के आते ही बैंकिंग और पेमेंग के तौर तरीके बदल गए हैं। जो लोग पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बस एक फोन नंबर या बैंक अकाउंट से जुड़े UPI ID के जरिए मिनटों में रकम ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर UPI यूजर को सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे आपका अकाउंट हैक होने का खतरा भी है।
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सम्राट पृथ्वीराज देखी। इस दौरान सीएम योगी पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार की एक्टिंग और फिल्म की तारीफ करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करते देखे गए, जिसमें 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय ने लगातार आ रही बेबुनियाद जनहित याचिकाओं पर नाराजगी जताई है। कोर्ट के अनुसार ज्यादातर याचिकाओं में बेबुनियाद मुद्दों को उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मशरूम के तरह जनहित याचिकाओं की वृद्धि चिंता का विषय है और इनमें से तुच्छ जनहित याचिकाओं को शुरुआत में ही दबा देना चाहिए ताकि कुछ जरूरी गतिविधियां प्रभावित न हो। भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में टीम में जो खिलाड़ी हैं उन पर लगातार अच्छा करने का दबाव भी बना हुआ है। लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हनुमा विहारी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साफ कहा है कि अगर वो 50 या 60 रन ही बनाते रहे तो अपनी जगह नहीं बचा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें कर्मचारियों को हफ्ते में 44 घंटे ऑफिस में रहने के लिए बोला गया था और अगर वो इस नए नियम को नहीं मानते या ऑफिस में नजर नहीं आते तो उन्हें ऑफिस से इस्तीफा दे देना होगा, ऐसा समझा जाएगा। अब मस्क की तरफ से एक और बयान आया है, जिसमें मस्क ने कहा है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर उन्हें सुपर बैड फीलिंग है और इस वजह से इलेक्ट्रिक कार निर्माता लगभग 10% नौकरियों में कटौती करना चाहते हैं। शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर फैंस देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनके लिए गुड न्यूज है। शाहरुख निर्देशक इटली की आने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं। फिल्म के टाइटल का नाम हाल ही में रिवील हुआ था। किंग खान इटली की फिल्म जवान में नजर आने वाले हैं। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसमें एक्टर एक्शन और अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। सेरेमनी में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन और सीएम के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज कर कहा है कि यह याचिका मेंटेनेबल है। अच्छी रिटर्न की आस में निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। स्टॉक को खरीद कर उसे होल्ड भी करते हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें अच्छा मुनाफा हो, लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है। आपने जिस शेयर को खरीदा है उसका वैल्यू गिर जाता है और आपका मुनाफा नुकसान हो जाता है और आमतौर पर सामान्य निवेशक इससे घबरा जाते हैं। हालांकि बाजार के जानकार ऐसी परिस्थिति से घबराने के बजाय संयम बनाए रखने की सलाह देते हैं। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला सुर्खियों में आया है। ताजा मामला दक्षिण कन्नड़ के उपी नंगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से जुड़ा हुआ है। कॉलेज में हिजाब पहनने के मामले में 6 मुस्लिम छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उपी नंगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्राचार्य ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और लाभार्थियों के बीच में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण बुधवार को देशभर में शुरू हुआ। इस चरण में वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज और जेलों में टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सत्येंद्र जैन द्वारा हमला ऑपरेटरों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए का काला धन 4 कंपनियों को दिया गया है, फिर भी सीएम अरविंद केजरीवाल चुप है और जांच एजेंसियों को दोष दे रहे हैं। ये बात सत्येंद्र जैन मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पोरस लैबोरेटरीज में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद लगभग 30 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती किए गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार ब्रॉडेक्स कंपनी के लगभग 30 कर्मचारियों को पोरस लैबोरेटरी में गैस रिसाव के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इनमें से 4 कर्मचारी मौके पर ही बेहोश पाए गए थे। एसपी गौतमी सालिक के मुताबिक सभी कर्मियों की सेहत स्थिर है। धूम्रपान पर नियंत्रण और उसकी उम्र बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाकर 21 साल करे। इस याचिका में मांग की गई है कि देश में युवाओं के बीच बढ़ते सिगरेट की लत के साथ धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश भी तय कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी मांग की गई है कि कॉलेज कैंपस या शैक्षणिक संस्थानों के पास खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की हिचाई की है। भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है। भारत ने कहा है कि वो सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम की उम्मीद कर रहा है। कश्मीर में एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो बाहरी राज्यों से कश्मीर में काम करने आए हैं। इन जान लेने की वारदातों को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। देश भर के कई राज्यों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। हाल ही में मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून जल्द ही अन्य राज्यों में भी प्रसार करने वाला है। केरल में मॉनसून की एंट्री हो गई है। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी बारिश का असर देखने को मिलने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, नुन्नू कुमार, राजकुमार सिंह, मिंटू कुमार, मनोज कुमार, सुनील कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, आलोक कुमार, आर्यावत, तौफीक आलम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।